हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए जो हम चैप्टर लेके आए हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल आप सभी लोग मौजूद थे, आज का चैप्टर है आपका कथन निष्कर्ष तर्क एवं पूर्वधारणाएं। कथन वाले जितने भी चैप्टर हैं वो आपको बताए सभी एक साथ आते हैं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो यूपी पुलिस में जितने भी कथन वाले क्वेश्चन आए हैं मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। चैप्टर वाइज मैंने लगभग सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर्स आपको करा दिए हैं। सिर्फ दो चैप्टर बचे हैं, एक कथन वाले चैप्टर जिसका आधा पार्ट मैंने कल करा दिया था, आधा पार्ट मैं आपको आज करा रहा हूँ। कथन वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, इसके बाद बचेगा सिर्फ एक चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है डिसीजन मेकिंग निर्णय क्षमता। और यूपी पुलिस की जो मैंने सीरीज चलाई थी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराए थे, वो पूरी की पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। और उसके बाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, हम लोग ये सीरीज खत्म कर देंगे। और आप लोग जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पूरी प्लेलिस्ट मैं बना के तैयार कर दूंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। साथ ही साथ पीईटी का जिनका पेपर है उनसे मैं अनुरोध करूंगा, संडे में मैंने वीडियो डाली थी एक जिसमें मैंने रीजनिंग के जो दो चैप्टर्स आते हैं वो सभी चैप्टर्स पूरे कवर करने की कोशिश की थी। आप एक बार जाने से पहले वो वीडियो देख के जाएं, 2-3 घंटे की वीडियो है, थोड़ा स्पीड में देखेंगे, निकाल के देखेंगे जो चीज आती है उसको स्किप करके देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में आएगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे लगता है मिल जाएगा। और आपके 4-5 नंबर की रीजनिंग आती है, 5 में से 5 पक्के हो सकते हैं सिर्फ वो वीडियो देख के, तो आप जरूर देख के जाइएगा। अब आते हैं आज के चैप्टर पे। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं कथन वाले चैप्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया कल हमने 10 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, जो बच्चों को नहीं मिले हो उन्हें लिंक मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। 10 तक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वीडियो की लिंक मिल जाएगी, एंड में वीडियो मिल जाएगी, साथ में आई बटन आएगा ऊपर राइट में, उस पर क्लिक करके भी आपको वीडियो मिल जाएगी। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल भी मैंने बताया था क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई देंगे और इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जिसका कथन आपको दिख रहा है। ये कथन में बोला गया है, क्या भारत जैसे विकासशील देशों में करों को समाप्त किया जाना चाहिए? कर मतलब बेटे टैक्स, के टैक्स को समाप्त कर देना चाहिए। तर्क दिया है पहला, नहीं। सरकार के लिए देश के विकास हेतु कदम उठाने के लिए कर आय का एक अच्छा स्रोत है, तो मतलब कि करके अगर टैक्स मिलेगा तो सरकार और अच्छा काम कर पाएगी। दूसरा, हाँ इन करों का उपयोग राष्ट्र कल्याण के लिए नहीं किया जाता। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करें जल्दी से, फिर हम लोग आगे शुरू करेंगे। तो आप सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर हम लोग शुरू करें, क्लियर? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करना है आप लोगों को, लाइव चैट चल रही है ताकि आप लोग आंसर बताते रहो, मैं भी आपको सॉल्व कराता हूं। तो इसका आंसर होगा केवल तर्क एक प्रबल है। क्या आंसर होगा इसका बेटा? इसका आंसर होगा केवल तर्क एक प्रबल है। और केवल तर्क एक प्रबल क्यों है वो समझ लेते हैं। इसके लिए है क्योंकि आपसे जो बोला गया वो ये बोला गया कि क्या भारत जैसे विकासशील देशों में करों को समाप्त किया जाए, जो टैक्स है उन्हें बंद कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। तो पहले भी बोला नहीं, बंद मत करो, क्योंकि सरकार के लिए देश के विकास हेतु, यानी कि देश के विकास के लिए टैक्स बनाना है, सड़कें बनानी है, कुछ भी करना है, तो वो कहां से पैसा आएगा सरकार के पास? टैक्स से। और अगर आप टैक्स ही बंद कर दोगे, टैक्स ही समाप्त कर दोगे, तो सरकार विकास कैसे करेगी देश का? नहीं कर पाएगी। इसलिए पहला वाला बिल्कुल प्रबल है कि टैक्स को बंद नहीं करना चाहिए। दूसरा वाला गलत है। दूसरे वाले में क्या बोला, हाँ इन करों का उपयोग राष्ट्र कल्याण के लिए नहीं किया जाता, तो ये बिल्कुल गलत है। जो हमारे टैक्स होते हैं उन्हीं के द्वारा सड़कें बनती हैं, उन्हीं के द्वारा पुल बनते हैं, उन्हीं के द्वारा सब कुछ होता है देश में। तो इसलिए दूसरा वाला गलत, पहला वाला सही। आंसर क्या हो जाएगा? केवल तर्क एक प्रबल है। छोटा सा हिंट देता हूं, कभी पेपर में सरकार के विरुद्ध कोई बात चल रही हो तो उसे गलत कर जाना, हमेशा आप सरकार के सपोर्ट में रहना, आपका आंसर सही होगा। अगर आप सरकार के विरोध में जाओगे वो आंसर गलत हो जाएगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सरकार जो आदेश पारित करती है, जो बात वो कहती है वो हमेशा सही मानी जाती है, और अगर आप उसके विरोध में जाते हो तो वो हमेशा गलत मानी जाती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हिंट है ताकि क्वेश्चन आए तो आप आसानी से अपना क्वेश्चन कर पाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल तर्क एक प्रबल है। आते बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। 12वें क्वेश्चन में बोला, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए। दूसरा बोला, आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह, संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। कि एक पहचान पत्र होना चाहिए हर इंसान के पास जिसपे उसका ब्लड ग्रुप लिखा हो, उसका पता लिखा हो, उसका फोन नंबर लिखा हो, ताकि कोई इमरजेंसी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, या कोई बीमारी हो जाए एकदम से, तो आपको ब्लड चल सके, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आपके घर पे इन्फॉर्म किया जा सके, ऐसे कुछ होना चाहिए, ये आपके कथन दिए गए। अब पहला निष्कर्ष दिया गया, रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया, मतलब निष्कर्ष है। दूसरा क्या बोला, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए।
और तीसरा है यदि चोट घातक है तो पुलिस को जानकारी की आवश्यकता होती है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर क्या होगा, निष्कर्ष में तीनों में से कोई एक बताना है आपको। पहले आप लोग ट्राई कर लो, देन मैं बताता हूँ। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया हो, इतने में मैंने पढ़े हैं, आंसर इसका होगा केवल निष्कर्ष तीन अनुसरण करता है। क्यों होगा बेटा, ध्यान पर समझना। पहला बोला था रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया हो। तो देखो, जब एक्सीडेंट होता है तो ज्यादातर लोगों के पास कार्ड होता भी नहीं है, तो क्या उनका इलाज नहीं होता, क्या उनको रक्त नहीं चढ़ता? ऐसा नहीं है, बस समय लगता है, क्योंकि जब रक्त पता नहीं होता तो आपको ब्लड ग्रुप पता करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि रक्त चढ़ेगा ही नहीं अगर उसके कार्ड पे लिखा हुआ नहीं है। अगर वो खुद बता देगा मेरा ब्लड ग्रुप ये इतना होश में है तो चढ़ जाएगा, अगर खुद नहीं बता सकता तो चेक करके चढ़ जाएगा। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि अगर लिखोगे नहीं कार्ड में तो चढ़ेगा नहीं। तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या बोला, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। तो कोई इंसान अगर एक्सीडेंट होगा तो इस हालत में नहीं होगा कि अपना फोन नंबर बता सके, सिंपल सी बात है। अगर खून निकल रहा है, एक्सीडेंट हो गया है या बेहोश हो गया तो अपना नंबर याद हो या ना उसे क्या फर्क पड़ता, बता तो पाएगा नहीं आपको। दूसरा वाला भी गलत हो गया, क्योंकि खतर में सिर्फ ये लिखा है कार्ड पे लिखा होना चाहिए, नहीं उसको खुद को याद है या नहीं याद है पता नहीं। कि वो अगर कह रहा है कार्ड पे लिखा होना चाहिए, इसका मतलब वो उस आपातकाल की स्थिति की बात कर रहा है जब आप बेहोश हो चुके हो, जब आप होश में ही नहीं हो। अगर आप होश में हो तो आपसे पूछ ही लेंगे ना, फिर तो लिखने कार्ड की जरूरत ही नहीं हो, आप खुद ही बता दोगे सब कुछ। तो अगर कार्ड की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब वो आपको ये मान रहा है कि ऐसी स्थिति सोच रहा है कि जब आप बेहोश हो, जब आपसे बातचीत नहीं की जा सकती, तभी तो आप बताओगे उन्हें। तो इसलिए दूसरा वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है यदि चोट घातक है तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है कि अगर आपको एक्सीडेंट, कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया है तो पुलिस को, जो पुलिस आएगी वो देखेगी, तो उसको जरूरत पड़ेगी इस चीज की कि भाई ब्लड ग्रुप लिखा है तो ठीक है हेल्प कर दो। दूसरी बात, ब्लड ग्रुप नहीं भी लिखा है तो एटलीस्ट आपके घर पे इन्फॉर्म कर दें कि भाई आपका बेटा, आपका पति, आपका बच्चा ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया, प्लीज आप लोग जल्दी से अस्पताल आ जाइए, वो इसी अस्पताल में भर्ती है। तो इसकी क्या पड़ेगी, पुलिस को जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपके पास कार्ड होना चाहिए। तीसरा वाला क्या हो गया, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष तीन अनुसरण करता है। कल बहुत लेट हो गया था, काफी एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, ज्यादा बातों में आ गया था, तो आज ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, जल्दी जल्दी आंसर बताकर चलूंगा। आप लोग जल्दी से लाइक कर दो वीडियो, जिन लोगों ने नहीं किया है देखो नीचे वीडियो देखते देखते साइड में लाइक बटन आ रहा है, उस पर लाइक करो और कमेंट कर देना वीडियो अच्छी लग रही हो। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्या भारत में एक कम समृद्ध परिवार के बच्चे को अपने जुनून का पालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मतलब कि जो गरीब बच्चे हैं, क्या उनको अपना जुनून, जब डांस करना है किसी को सिंगिंग करनी है, किसी को पढ़ाना है, टीचिंग करनी है, क्या उनको जुनून का पालन करने देना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए, ये पूछ रहा है। पहला तर्क दिया, हाँ आजकल यदि बच्चे को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए तो वह आर्थिक रूप से भी इसमें उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। दूसरा, या कर सकती है। दूसरा, नहीं आज भी हमारे देश में एक मजबूत सामाजिक शिक्षा प्रणाली नहीं है और खुद को अपरंपरागत क्षेत्रों में स्थापित करने में समय लगता है और आर्थिक रूप से बाहर डालने वाला हो सकता है। तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा केवल तर्क एक प्रबल है। क्यों बेटा, आपसे बोला कि अनुमति दी जानी चाहिए नहीं दी जानी चाहिए, तो बिल्कुल दी जानी चाहिए, क्योंकि आजकल अगर आप डांस में जा रहे हो तो डांस में भी बहुत पैसा है, अगर आप सिंगिंग में जा रहे हो, सिंगिंग अच्छी करते हो तो सिंगिंग में भी पैसा कमा सकते हो, अपने आप को स्टेबल कर सकते हो और खूब मेहनत कर सकते हो। फोटोग्राफी कर रहे हो, फोटोग्राफर में बहुत हिट हो सकते हो और उससे पैसा भी कमा सकते हो, तो आपका पैशन भी फॉलो हो गया। गिटार बजा रहे हो, गिटार सिखा के, गिटार गा के आप लोग बहुत पैसा कमा सकते हो, तो आप अपना पैशन फॉलो करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हो। कि माँ को क्या टेंशन होती है कि बच्चा कैसे पालेगा, अपना परिवार कैसे चलाएगा, तो आजकल सिंगिंग, डांसिंग इन सबसे भी आपका बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो इसने यही बोला था, तो आंसर क्या हो जाएगा, तर्क एक प्रबल है कि इस आर्थिक रूप से भी इसमें उत्कृष्टता, मतलब पैसा भी आपके पास आ सकता है। तो पहला वाला सही था। दूसरा गलत क्यों है, दूसरा बोला नहीं आज भी हमारे देश में एक मजबूत सामाजिक शिक्षा प्रणाली नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। देखो मैंने पहले बोला आप देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ नहीं बोल सकते, तो फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला तो हो जाएगा बेटा गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल तर्क एक प्रबल है। क्लियर, आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन। प्रश्न है आपका, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना ही खर्च करना चाहिए जितना अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं। मतलब अगर बेटे पे 1 लाख कर रहे हैं तो बेटी पे भी 1 लाख करना चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला तर्क दिया, नहीं लग, अब देखो कुछ बच्चों ने ना पहले दिमाग में सोच लिया हाँ बराबर करना चाहिए, कुछ लगा नहीं नहीं लड़कियों को बराबर कैसे, तो यार पहले ही सोच लेते हो, नहीं हमें अपना दिमाग नहीं लगाना तर्क के अकॉर्डिंग चलना है, अपना दिमाग लगाओ। लड़कियां सोचती है कि नहीं नहीं सर ऐसा कैसे बराबरी करना चाहिए, बेटा पहले तर्क पढ़ो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, अपनी भावनाएं प्रकट करोगे तो गलत कर दोगे क्वेश्चन, ध्यान से। पहला तर्क दिया, नहीं लगभग सभी आंकड़े सत्य की ओर इशारा करते हैं कि लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो पहला बोला नहीं बराबर खर्च मत करो, क्यों मत करो बराबर खर्च, क्योंकि सभी आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि जो लड़के हैं वो लड़कियों में ज्यादा होशियार होते हैं, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा तर्क में लिख के दिया, ठीक है, तो ज्यादा भी कमेंट कर, ज्यादा कहने मतलब नहीं सर ऐसा नहीं है,
मुझे भी पता है ऐसा नहीं है, लेकिन जो तर्क दिया उसको सही मान के चल रहे हैं। दूसरे पे आते हैं, दूसरा है नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, माता पिता को उनकी विवाह के लिए अलग फिदा नहीं करना पड़ता है। कि भाई आप लड़के के बराबर खर्च मत करो, क्यों? क्योंकि लड़कियों के लिए अलग से आपको दहेज के लिए धन भी इकट्ठा करना पड़ता है। तो आप एक काम करो कि लड़के पे 5 लाख लगा रहे हो तो लड़की पे 2.5 लाख लगाओ, 2.5 लाख पढ़ाई में लगाओ, तो 2.5 लाख उसके दहेज के लिए रख दो, तो बराबर पैसा हो गया आपको, बराबर पैसा पढ़ाई में लगा के उसका 2.5 लाख जो पढ़ाई का है वो उसके दहेज के लिए बचा लो, ये कहना चाह रहे हैं। तो आप बताओ कौन सा सही है। तो जहां तक ये आंसर, तो आप सभी का सही होगा, आंसर होगा ना तो एक ना दो, मतलब दोनों में से कोई भी प्रबल नहीं है। क्यों? पहला बोला नहीं, लगभग सभी आंकड़े सत्य की ओर इशारा करते हैं कि लड़के लड़कियों से बुद्धिमान होते हैं, तो ऐसा आप नहीं कह सकते, नहीं ऐसा कथन में लिखा है। वो पूछ रहा है बराबर करना चाहिए पैसा खर्च, नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हो लड़कियां लड़कियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं है। इस बार 10 टॉपर IAS का रिजल्ट आया, उसमें 10 की 10 लड़कियां हैं, क्योंकि इस समय लड़कियां पढ़ाई पे बहुत फोकस कर रही हैं और लड़के पढ़ाई की जगह उन पे फोकस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चेंज कर लें अगर, कि अगर लड़के भी पढ़ाई पे पहले फोकस कर लें तो फिर उन्हें जो अब फोकस कर रहे हैं वो बाद में फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सेट हो जाएगा मामला, सब घर वाले खुद अच्छी लड़की ढूंढ देंगे। लेकिन यही बात समझ में आ नहीं रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लड़कियां आसमान छू रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। भगवान सभी के परिवार में जितनी भी लड़कियां हैं वो सब आगे बढ़े, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़कों को भी फोकस करना चाहिए पढ़ाई पर, मैं तो यही कहूंगा। बाकी तो भगवान जाने, सबका भला हो यही चाहेंगे हम। तो पहला वाला गलत है, लड़के लड़के जो बुद्धिमान होते हैं ऐसा आप नहीं कर सकते, पहला वाला गलत हो गया। दूसरे में बोला कि माता पिता को दहेज अलग से इकट्ठा करना पड़ता है, तो सिंपल सी बात है, मूवी भी आई थी रक्षाबंधन, उसमें देखा भी होगा आपने कि दहेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, माँ बेटे अगर आप बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे हो वो खुद इस काबिल बन जाती है। कई लड़कियां भी इज्जत नहीं करती माँ बाप की, उनके पैसा बर्बाद करती हैं। हमारे कोचिंग में भी देखता हूँ मैं, या और भी कोचिंग से देखता हूँ कि माँ बाप पढ़ने भेज रहे हैं लड़के, लेकिन लड़कियां कोचिंग में पढ़ने आने की बजाय रूम लेके रह रही है, लेकिन रूम पे रुक रही है, वो कोचिंग नहीं आ रही, रूम पे आराम से बैठी हुई है, जबकि वहां पर पढ़ने भेजा है, जबरदस्ती छुट्टी कर रही है कोचिंग की, घर पे बैठ के मूवी देख रही है, दोस्त के साथ मूवी देखने जा रही है, ये सब कुछ चल रहा है। तो लड़की हो या लड़का हो, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, कोई इसको पर्सनली ना ले, मैं नॉर्मल एक बात कर रहा हूं कि लड़कियों को भी समझना चाहिए कि माँ बाप हमें भेज रहे हैं, तो दहेज इकट्ठा करने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग कामयाब हो जाते हो। इसलिए हम आप चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, इसलिए बेचारे रिस्क लेते हैं, अपना पेट काटते हैं, आपको रिस्क ले, लड़कियों को अपने अपने से दूर रखना, अलग सिटी में रखना, अलग शहर में रखना मजाक नहीं होता। कितने घरवाले ताने देते हैं, कितने घरवाले लोग सुनाते हैं, आज पड़ोसी कहते हैं तुम्हारी बेटी तो बाहर रह रही है, वो सब सुनते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए कि मेरी बेटी का सक्सेस हो जाए, इन सबका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर उनकी इस कटुता को, इस उनके त्याग को नहीं समझ पाओगे, और आप अगर पढ़ाई की जगह कुछ और करोगे, जो काफी बच्चे, सब तो नहीं, लेकिन कुछ 1% होते हैं, कहते ना एक गंदी मछली सबको गंदा कर देती है, तो वही सीने कुछ होती है जो बदतमीज होती है, जिसके लिए सब लोग बदनाम होते हैं। तो प्लीज आप सभी से अनुरोध है कि आप उनके त्याग को समझें, माँ बाप बहुत आपके लिए ताने सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि लड़कियों को बाहर भेजना इतना आसान नहीं होता, अपने पे दूर रखना, बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई लड़कियों की इज्जत का इज्जत है, ये 10 चीजें होती हैं जो समाज ने बना रखी हैं। तो आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है और इसको समझने की जरूरत है कि हमें फैमिली के लिए प्राउड फील कराना है, और अगर आप लोग एक और सक्सेस हो जाओगे तो फिर उनके को दहेज इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वरना सिंपल सी बात है जो चमाना चला आ रहा है, जो प्रथा चली आ रही है, क्योंकि जब लड़की को लड़का चाहिए ऐसा जो अच्छा कमाता हो, सरकारी नौकरी हो, तो फिर लड़का भी लेगा ना, सिंपल सी बात है। या तो आप भी बेरोजगार पे शादी कर रहे हो क्या? आप नहीं कर रहे, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको दिखने में लड़का अच्छा चाहिए, आपको सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तो भाई वो दहेज क्यों ना ले? जब आप सब कुछ चाह रहे हो तो वो भी तो चाहेगा ना, आप बेरोजगार पे शादी कर रहे हो, नहीं कर रहे तो वो बेरोजगार पे शादी क्यों करे? वो भी दहेज मांग रहे हैं। तो ये चीज होती है, कुछ दोनों चीजें दोनों तरफ से सुनना चाहिए, लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दहेज बुरी बात है, लेकिन दहेज बुरी बात है, साथ ही साथ ये भी बुरी बात है कि अगर कोई बेचारा कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन आप उससे नहीं कर रहे, सरकारी नौकरी वाला है, चाहे वो कितना ही उसमें है, वो आप उससे शादी कर रहे हो, तो सरकारी नौकरी वाला देखना, जॉब वाला देखना, अमीर देखना, अच्छा लड़का देखना, ये भी गलत है। घर परिवार देखना ये भी तो गलत है ना, जब दहेज गलत है। तो दोनों चीजों की तरफ चलेंगे। तो फिलहाल मेरा अनुरोध है, ये जो क्वेश्चन लिखा है कि माता पिता को दहेज अलग से इकट्ठा करना पड़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्वेश्चन वापसी आते हैं, ऐसे मुद्दे आते हैं तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ जाता है, क्योंकि यही मुद्दे आगे जाके, क्योंकि ये यूपी पुलिस में ऐसे मुद्दे बहुत आएंगे, तो एटलीस्ट अगर हम बात करेंगे इस मुद्दों पे, तो आगे जो इससे और क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के, वो आपको अच्छे से करने में आसानी मिलेगी। तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि दूसरे वाले में था कि माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है, दोनों को बराबर पढ़ाओ, और हो सकता है बेटा ना निकले, बेटी अच्छी निकल जाए, तो अपने लिए दहेज इकट्ठा खूब कर लेगी, और ऐसे 10 भाइयों को अपने पाल लेगी अपने पैसों पे, अगर वो अच्छा निकल जाती है। लेकिन डिपेंड करता है लड़की वाकई में पढ़ने वाली है, माँ बाप की रेस्पेक्ट करती है या नहीं करती है, सिंपल सी बात नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कथन है आपका, क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है। तर्क दिया पहला,
नहीं किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं और वहां इतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जाए यदि ऐसा परिस्थिति उपस्थित हो जाए। दूसरा, हां निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा बेहतर होता है। आंसर बताइए आप लोग। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान आंसर है, आंसर केवल तर्क एक प्रबल है। क्यों है एक तर्क प्रबल? क्योंकि कप्तान वो होता है जिसको एंड टाइम पे मौका देखना है कि भाई मुझे बॉलिंग किसे देनी है। अब दो कप्तान होंगे तो एक कह रहा ऐसे, तो एक कह रहा पता चल तुम लड़ने बैठ गए वहां पे, कि नहीं मेरी चलेगी, दूसरा कह रहा मेरी चलेगी, और इस चक्कर में मामला हो गया खराब। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो ये मैं बस ये दिक्कत है कि हॉर्न और ये शोर इतना होता है बैकग्राउंड में, उसके लिए बहुत माफी चाहूंगा आप लोगों से, फिर भी आप देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला वाला गलत है, पहला वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले वाले ने बोला नहीं किसी को मौके पर निर्णय लेने होते और वहां इतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर अगर विरोधी विचार आ जाए, एक कह रहा है कि भैया आप बैटिंग करो, एक कह रहा है आप बैटिंग करो या आप बॉलिंग करो, और दोनों में लड़ाई हो जाए तो सुलझाने का समय नहीं होगा। इसलिए पहला वाला क्या हो गया, सही हो गया कि हाँ भाई दो कप्तान नहीं होने चाहिए। दूसरे बोला कप्तान होने चाहिए क्योंकि निर्णय लेने के लिए एक से अधिक मस्तिष्क का होना बेहतर है। तो ये बिल्कुल गलत है, निर्णय लेने के लिए एक ही बेहतर होता है। जब आप 10 बातों में घूमते हो कि मैं एसएससी की तैयारी करूं, मैं यूपी पुलिस की तैयारी करूं, मैं टाइपिंग करूं, मैं शॉर्ट हैंड करूं, मैं हिंदी पढ़ूं, मैं इंग्लिश पढ़ूं, 10 चीजों में पढ़ जाते हो, कुछ भी नहीं कर पाते। एक पक्का करो, एक कंफर्म करो, और उससे कर लो काफी बच्चे, मैं हिमांशु सर से भी पढ़ लूं, मैं इन सर से भी पढ़ लूं, मेरे से पढ़ लूं, फिर मैं यूट्यूब से भी क्वेश्चन पढ़ लूं, दूसरे टीचरों से भी, यूट्यूब से जो क्वेश्चन नहीं हो रहे, जो चैलेंज दिए हैं वो मैं क्यों समय बर्बाद करूं, मैं अपने सर से हिमांशु से पूछ लूं, हिमांशु बंद ने जो क्वेश्चन दिए वो किसी और सर से पूछ लूं। इससे क्या होता है कि इससे आप कुछ नहीं सीख पाते। कोई एक टीचर पकड़ो, मैं नहीं कह रहा उससे पढ़ो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा उससे पढ़ो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन उसी से पढ़ो, उसी को अपना भगवान मानो और उसकी बिल्कुल चरणों में लग जाओ, और उसका जो वो पढ़ा दे वो पढ़ दो, आपके नैया पाल लग जाएगी। दब दब जगह भागोगे ना तो एक की भी ढंग से रेस्पेक्ट नहीं करोगे और एक से भी नहीं सीख पाओगे। एक को पकड़ो, एक की इज्जत करो, एक से सीखो। ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसको आप अगर अपना 100% आप उसको इज्जत दोगे तो 100% आपको अपना देगा, तो आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी टीचर कुछ छोड़ता नहीं है ना, अगर कोई आपको लग रहा है कि कुछ चीजें छूट रही हैं तो आप उससे पूछ सकते हो, अलग से आपको डेफिनेटली क्लियर कर देगा, और नहीं कर पा रहा तब आप किसी और पे जा सकते हो। अगर सब कुछ क्लियर है तो दूसरी जगह जाओगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाएंगे कि ये या ये या ये, और इस चक्कर में आप किसी से नहीं सीख पाओगे, ना किसी दूसरे टीचर से और ना उस टीचर से। तो इसलिए दूसरा वाला क्या हो गया, गलत हो गया कि निर्णय लेने के लिए एक ही दिमाग बेहतर है, दो दिमाग की जरूरत नहीं है, एक निर्णय तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कथन है टेलीविजन एक बुद्धू डब्बा है। टेलीविजन क्या है? एक बुद्धू डब्बा है, इसमें कोई एकल नहीं है। पहला बोला टेलीविजन बुद्धू है, बिल्कुल ठीक है, ये तो बोला टेलीविजन एक बुद्धू डब्बा, और मैं बोल रहा हूँ टेलीविजन एक बुद्धू है, बिल्कुल सही। दूसरा, टेलीविजन खरीदना बंद करें, ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में नहीं लिखा। दूसरा वाला गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल धारणा एक अंतर्निहित है, क्योंकि साफ साफ लिखा है टेलीविजन एक बुद्धू डब्बा है, उन्होंने बोला टेलीविजन बुद्धू है तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा में बोला टेलीविजन खरीदना बंद करें, ऐसा कथन में कहीं भी नहीं लिखा। दूसरा वाला गलत। नेक्स्ट कथन है, कुछ भी करने से पहले सोच लें, कुछ भी करने से पहले सोच लें, धारणा वही पहले कुछ भी करना सोच से जुड़ा है, बिल्कुल ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ कुछ भी करने से पहले सोच लें, इसका मतलब कुछ भी करना आपकी सोच से जुड़ा है, कि आप कुछ भी करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको सोचना जरूरी है, तो सोच से जुड़ा हुआ है, बोले बिल्कुल सही, पहला वाला सही। दूसरा, किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए, दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी एक मिनट किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि कुछ भी करने से पहले सोच लें, इसका मतलब है कि किसी भी काम करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए, तो ये भी निकल के आ रहा है। निष्कर्ष होता तो गलत हो जाता, क्योंकि ये पूर्व धारणा है, तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म बोला, नेक्स्ट, सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं, सभी युवा वैज्ञानिक, इस बात पर ध्यान देना, सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं। दूसरा बोला कथन ही है, दूसरा, खुले विचारों वालों में से कोई भी अनुशासी नहीं है। सभी युवा वैज्ञानिक जो जवान वैज्ञानिक है वो खुले विचारों के, जो भी खुले विचारों वाले वैज्ञानिक है वो अंधविश्वासी नहीं है। पहला बोला निष्कर्ष, कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, गलत हो गया, देखते ही गलत कर दो। क्यों गलत हो गया बेटा? क्योंकि मैंने बोला युवा वैज्ञानिक जो है वो है खुले विचारों के, सभी वैज्ञानिकों की बात नहीं चल रही, जो बुजुर्ग है, जो युवा नहीं है वैज्ञानिक वो जरूरी है कि खुले विचारों, हो सकता है वो खुले विचारों के ना हो। तो कथन में ये कहीं भी नहीं लिखा सभी वैज्ञानिक, कथन में सिर्फ ये लिखा है युवा वैज्ञानिक, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि उसने बोला सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के। एक मिनट, कथन था सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के, खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। दूसरा बोला कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये पहला वाला हो जाएगा गलत, क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक बोल दिया, कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है तो ठीक है,
लेकिन आप कोई भी नहीं बोल सकते क्योंकि जो बूढ़े वैज्ञानिक है उनकी बात चली नहीं रही है, सिर्फ युवा की चल रही है। तो आप सभी वैज्ञानिकों के बारे में नहीं बोल सकते, सिर्फ युवाओं के बारे में बोल सकते हैं। इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं, दूसरे में क्या बोला, दूसरे में बोला खुले कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है, कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा गलत। ये गलत क्यों हो जाएगा बेटा, ये इसलिए हो जाएगा आपने आपसे ये बोला जो युवा वैज्ञानिक है वो खुले विचारों के हैं और जो खुले विचारों के हैं वो अंधविश्वासी नहीं है, लेकिन जो बाकी के युवा हैं जो वैज्ञानिक नहीं है उनके बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते। आप सिर्फ युवा वैज्ञानिकों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन बाकी जो युवा, जैसे मैं टीचर हूँ, युवा हूँ तो मैं वैज्ञानिक तो नहीं हूँ ना, तो मेरे विचार क्या है आप इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, सिर्फ युवा वैज्ञानिक के बारे में बता सकते हैं। फिर दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि आप कोई भी युवा कह रहे हो तो सारे युवाओं के बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते। फिर दूसरा वाला भी गलत, आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना दो, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, कथन है आपका प्रतिदिन एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है, मतलब आप एक सेवन खाते हो तो आपको बीमार नहीं होते, डॉक्टर से दूर रखता है। निष्कर्ष पहला, यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। दूसरा, यदि हर रोज एक नारंगी खाई जाए तो बीमार हो सकते हैं। ये तो आप देख के बता दोगे, नारंगी की बात नहीं चल रही। दूसरा वाला गलत, पहला वाला सही है कि अगर सेब खाया जाए तो आप बीमार होने से बच सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। आसान सा क्वेश्चन है, समय बर्बाद नहीं कर रहे, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ। कथन पे आते हैं, पहला बोला पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है। अब पृथ्वी खतरों से बचाती है नहीं बचाती है ये आप कुछ नहीं कह सकते। कथन में सिर्फ ये लिखा है पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, इससे ये कहीं नहीं लिखा कथन में कि पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, यह नहीं लिखा। तो अपनी धारणाएं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलेंगे, पहला वाला क्या हो जाएगा गलत। दूसरा, पानी रंगहीन है तो पानी कैसा है इसकी बात भी कथन में नहीं चल रही। दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, दोनों इलॉजिकल है, इलॉजिकल बात का कोई आंसर नहीं होता। मैंने बताया अगर विरोध हो रहा हो कभी भी कथन का, ये इलॉजिकल बातों में हमेशा गलत मानी जाती हैं। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, आंसर हो जाएगा दोनों को उदाहरण ही अंतर्निहित नहीं है, ना तो एक ना दो। क्लियर। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन, कथन है संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छा है। संचार कौशल मतलब बोलने में आप जो आपसे इंटरेक्शन हो रहा है वो अच्छा करने के लिए आपको क्या है, समूह में बात करना, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो अच्छा है, उससे आपका मोटिवेशन बढ़ता है, उसका आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब आते हैं पहली मान्यता पे, पूर्वधारणा मान्यता एक ही बात है, शिक्षक को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो टीचर को क्या करना चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए बच्चों में आपस में। तो पहला वाला बताना है आपको सही है गलत। दूसरा, प्रत्येक बच्चों को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, क्यों, सिंपल सी बात है, अगर आपको बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो पहला क्या करो, ग्रुप डिस्कशन करो, तो पहला वाला सही। दूसरा, ग्रुप डिस्कशन में हर बच्चे को मौके बोलने का मौका दो, ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा बोला रहा बाकी सुने जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए ताकि सभी का कॉन्फिडेंस बढ़े। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, आंसर क्या हो जाएगा, दोनों मान्यताएं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है आपका महाप्रबंधक ने मानव संसाधन प्रमुख से कहा कार्यालय में समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों का वाहन भत्ता प्रदान करना होगा। मतलब कि बच्चे सभी जो कर्मचारी हैं वो टाइम पर आए, हमें क्या देना चाहिए, उनको जो वाहन है जो कार से टैक्सी से आ रहे हैं उसका किराया देना चाहिए। अगर किराया हम लोग देंगे तो लोग सब टाइम से आ जाएंगे, बहाना नहीं कर पाएंगे कि आज ये था आज वो था, टैक्सी अपने तरफ से प्रोवाइड करा दो, टैक्सी घर के बाहर पहुंच जाएगी, खुद को बैठ के आना पड़ेगा, लेट होने का चांस ही नहीं है, ये उसने कहा कथन। पहली दी पूर्व धारणा, भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा, और दूसरी पूर्व धारणा दी आपको अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं। तो पहला वाला हो गया गलत, क्योंकि भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा, आपने विरोध कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप भत्ता दोगे तो टाइम से आएंगे, आप कह रहे हो कि नहीं सहायक नहीं होगा, तो आप विरोध कर रहे हो, विरोध जब भी हो जाता है गलत हो जाता है। तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही है कि अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं। मतलब क्या है इसका, कि अगर मैं गिफ्ट देता हूं किसी बच्चों की भाई तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, तो बच्चा और मेहनत करेगा पढ़ाई में, बदतमीजी नहीं करेगा क्लास में। तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है कि अनुशासन और पुरस्कार क्या करते हैं, साथ साथ चलते हैं। उसने तभी तो बोला कि अगर आप समय से आप उनको भत्ता दोगे तो वो लोग सभी लोग समय से आएंगे, अगर आप पैसा दोगे। दूसरा वाला बिल्कुल सही है, तो आंसर है केवल उदाहरण दो, अंतर्निहित है। नेक्स्ट कथन, कथन है आपका अगली पीढ़ी के लिए ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों को बचाएं, कि ऊर्जा के जो गैर नवीकरणीय स्रोत है कोयला वोयला इनको बचा के रखें, अगर आप सारे अभी खर्च कर दोगे तो देश हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ये वो कथन में कह रहे हैं।
पहली पूर्वधारणा बोली अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होगा। देखो अगली पीढ़ी के पास क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप नहीं बता सकते, इसलिए पहला वाला क्या हो गया गलत, देखते गलत कर दो कि अगली पीढ़ी के पास नवीकरणीय स्रोत होगा नहीं होगा ये आपको कैसे पता कि कुछ नया वो आविष्कार करेंगे नहीं करेंगे, ये आप नहीं बता सकते, पहला वाला गलत। दूसरा, यदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी उनका उपयोग नहीं कर पाएगी और नवीकरण के बारे में सोचना होगा। दूसरा वाला बिल्कुल सही है, वो बचाने को क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर अभी समाप्त हो गए तो आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग नहीं कर पाएगी, फिर उन्हें सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे करें, तब उन्हें कुछ नया सोचना पड़ेगा, नया आविष्कार करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करो, आप कम खर्च करो इस समय, ज्यादा फालतू का यूज मत करो ताकि अगली पीढ़ी के लिए उससे बचाया जा सके। दूसरा वाला बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल पूर्वधारणा दो अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है आपका, जैसे समान ध्रुव एक दूसरे को पीछे हटाते हैं वैसे ही विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब आते हैं मान्यता पे। पहली मान्यता बोली समान ध्रुवों की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है कि जो समान ध्रुव है उसने कथन में ये लिखा है कि जैसे समान ध्रुव एक दूसरे को पीछे हटाते हैं, पीछे का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षित करना, प्रतिकर्षण करना, आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, कि आप एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं आप मुझे देख रहा हूं, दोनों दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। प्रतिकर्षी मतलब कि आपको मैं अच्छा लग रहा, मुझे आप अच्छा लग रहा, दोनों एक दूसरे से बच रहे, नजर बचा रहे, तो ये दोनों की बात चल रही है। तो कथन में बोला है समान ध्रुवों की चुंबकीय वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यही ऊपर कथन में लिखा था कि पीछे हटाती है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा वाला, विपरीत स्वभाव के लोग अधिक अक्षुण रहते हैं। अब देखो विपरीत स्वभाव के लोग, तो लोगों की यहाँ बात ही नहीं चल रही, बात चल रही है चुंबक की, ध्रुवों की, अक्षों की, तो आप लोगों की बात नहीं, मतलब लोगों के बारे में नहीं बता सकते। कुछ बच्चे भी सही करेंगे कि हाँ सर, कहते हैं ना कि अपोजिट अट्रैक्ट, कि अगर एक लड़का गुस्से वाला है तो लड़की शांत होनी चाहिए, लड़की गुस्से वाली तो लड़का शांत होना चाहिए, तो उनमें ज्यादा प्यार होता है। भाई चेक करने मत पड़ना, ज्यादा भावनाओं में बह गए, गलत कर दोगे, आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ लोगों की बात चल ही नहीं रही है, यहाँ बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की, यहाँ बात चल रही है आपकी चुंबक की और ध्रुव की, तो आप लोगों के बारे में नहीं बता सकते, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। नहीं, कथन, कथन है स्वास्थ्य की शुरुआत नींद है, एक अस्पताल पे दीवार पर लिखा था, क्या लिखा था, स्वास्थ्य की शुरुआत नींद है, कि नींद अच्छी है तो आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा, वरना इससे भी बहुत बीमारी हो जाती है अगर नहीं सोते। पहला निष्कर्ष बोला यदि कोई सो जाए तो उसके सारे रोग दूर हो जाएंगे, ये कहीं भी नहीं लिखा भाई, तो पहला वाला गलत, सारे रोग आ गया, ये अगर कोई सो जाएगा कैंसर है सो जाओ रोग से हो जाएगा, तो ये क्या हो गया गलत, कॉमन सेंस बिना सरपैर की बात है, पहला वाला गलत। दूसरा, नींद सभी रोगों की दवाई, नींद सभी रोगों की दवाई, ये भी गलत है कि किसी को कैंसर है आप सलाह दो उसे सही हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। दूसरा वाले भी क्या हो गया गलत, नींद से बीमारी कम होंगी, कि ज्यादा जगोगे तो बीमारी ज्यादा हो सकती है, कम होंगी बीमारी ज्यादा बढ़ेंगी नहीं, ये सही है, इसका मतलब यह है दीवार पर लिखा, तो ये लिखा है कि समय से सो, टाइम से सो, ताकि आपको अच्छी नींद मिले, बीमारी आपको दूर रहे आपसे, ये मतलब नहीं कि दिमाग ठीक हो जाएगी या बीमारी होगी नहीं, ऐसा उसने कहीं भी नहीं लिखा, इसलिए पहला भी गलत दूसरा भी गलत, आंसर हो जाएगा ना तो एक ना दो। कथन अगला, कथन है क्या सरकार को कथन है आपका क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, कि जो प्राइवेट लोग हैं अस्पताल जो है प्राइवेट लोगों के हाथों में देनी चाहिए, प्राइवेट सारे सरकारी अस्पतालों को कितने देना चाहिए, प्राइवेट लोगों को दे देना चाहिए। तर्क बोला पहला, हाँ वह उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं, मतलब जो पश्चिमी देश हैं उनमें संचालित होते हैं। दूसरा, नहीं अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों गलत, दोनों गलत क्यों हो जाएगा बेटा, इसलिए हो जाएगा पहला पश्चिमी देश, तो आप तुलना कर रहे हो, आप किसी और देश से तुलना नहीं कर सकते कि दूसरे देश में प्राइवेट अस्पताल अच्छे हैं तो आपके देश में भी अच्छे होंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते, जरूरी नहीं है, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, आपने बोला नहीं अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है, तो खतरनाक है या नहीं ऐसा भी आप नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर सरकारी अस्पतालों में जाओगे आप तो स्ट्रेचर भी नहीं मिलता, और प्राइवेट अस्पतालों में आपको पूरा पूरा रूम मिलता है, बढ़िया सा एसी लगा हुआ है, फ्रिज है, टीवी है, सब कुछ है, तो प्राइवेट अस्पताल में पैसा तो जाता है लेकिन सुविधाएं भी मिलती हैं, तो खतरनाक है रखना ये भी सही नहीं है। ज्यादातर सारे अमीर लोग, सारे बड़े बड़े जितने भी नेता हैं वो सब प्राइवेट, कोई सरकारी अस्पताल में जाता है क्या इलाज करने, नहीं जाते ना, सब प्राइवेट में जाते हैं, क्यों, क्योंकि प्राइवेट में सुविधाएं मिलती हैं आपको, तो खतरनाक तो नहीं है। फिर दूसरा वाला भी गलत, तो आंसर हो जाएगा दोनों तर्क निर्बल है, ना तो एक ना दो, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट कथन है आपका, क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो दालों का निर्यात है जो हम बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर बैन कर देना चाहिए। पहला बोला तर्क, हाँ इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी, हाँ इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। और दूसरा, नहीं इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा केवल तर्क एक प्रबल है। बहुत देर से बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक करो जल्दी से, ठीक है, बहुत देर हो गई बोलते बोलते। आंसर क्या हो जाएगा,
केवल तर्क एक प्रबल है। क्यों बेटा केवल तर्क एक प्रबल? क्योंकि सिंपल सी बात है, इससे भारत में दालों की कीमत, जब सिंपल आप बात सोचो, दाल वर नहीं, हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट करने में बैंड लगा दूंगा और लोगों ने बहुत सारी दाल इकट्ठी कर रखी, अब जब बाहर जाएगी नहीं तो वो पड़े पड़े खराब हो, इससे अच्छा क्या है? लोग कहेंगे यार तुम खरीद लो, चलो कम पैसे दे दो तुम खरीद लो। आपने देखा होगा कभी केले हैं, आप केले खरीदने जाओ, तो आप केले खरीदने जाओ, आपने देखा होगा कि जब शाम हो रही होती है केले जो ना पिलपिले से अगर काले हो जाते हैं, काले केले को खरीदता नहीं है। तो जब एंड में आप शाम में जाते हो तो जो बेचारा लोग रिक्शा में बेच रहा होता है उसे पता है खराब हो जाएंगे ठेले में, तो वो कहता है भाई साहब आप अगर 40 रुपये दर्जन है, वो कहते हैं काम करो भाई साहब 40 रुपये दर्जन है, 80 रुपये के हो रहे हैं, दो दर्जन खराब जाएंगे, काम करो 60 रुपये दो दर्जन ले लो, आप सारे के सारे ले दो 60 रुपये ले लो, 30 रुपये दर्जन पड़ जाएगा आपको। वो नुकसान में देने को तैयार होता है, सस्ते में देने को तैयार होता है, क्यों? खराब ना हो जाए। तो अगर मैं दाल पे एक्सपोर्ट पे बैंड लगा दूंगा, इसके मतलब दाल क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी, क्योंकि जब कोई चीज ज्यादा होती है तो उसकी जो मूल्य है वो क्या हो जाता है? अपने आप कम हो जाता है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा बेटा? पहला वाला हो जाएगा बिल्कुल सही। दूसरे में क्या बोला? दूसरे बोला नहीं, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मैंने बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पे, दाल के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है, सिर्फ दाल के, तो एक्सपोर्ट में नौकरियां ही खत्म हो जाएंगी, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि नौकरियां तो चलेंगी, लोग कुछ दाल नहीं भेजेंगे, उसके लिए कुछ और भेज देंगे, गेहूं जाएगा, चावल जाएगा, तो निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ अगर दाल का एक्सपोर्ट बंद कर दोगे तो निर्यात में नौकरियां नहीं बचेंगी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो गया? गलत हो गया। बच्चे इसे भी सही करे आते हैं, ध्यान रखना बेटा, सिर्फ दाल के बैन करने से क्या कुछ और आईफोन जाएगा, वॉच जाएगी, चावल जाएंगे और बहुत सारी चीजें जो एक्सपोर्ट करोगे, तो नौकरियां तो फिर भी रहेंगे। लोग क्या ऐसा कि दाल एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो लोगों की नौकरी समाप्त होगी, कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, सिर्फ दाल की बात चल रही है, बाकी सब तो एक्सपोर्ट होगा ना, तो नौकरियां समाप्त नहीं होंगी, जो दूसरा वाला गलत। आंसर क्या हो जाएगा? केवल तर्क एक प्रबल है। हाँ, थक गया मैं। चलो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि अब मैं आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे कल, क्योंकि रोज रात 8 बजे आपकी वीडियो मिलती है, कल रात 8 बजे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। आखिरी चैप्टर होगा आपका यूपी पुलिस का, फिर आपका यूपी पुलिस का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर वाइज। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे चेक करना, जिन बच्चों ने कॉपी नहीं बनाई है वो कॉपी बनाइए और सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज नोट कर लीजिए। मुझे लगता है अगर आपने सब कुछ ही नोट कर लिया तो यूपी पुलिस में आपको रीजनिंग में कोई कमी नजर नहीं आएगी, आप खुद कहोगे कि हाँ सर हमारे रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर आए, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप प्रैक्टिस करते हो और सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट करते हो। तो आते हैं आखिरी क्वेश्चन, आपकी क्लास के साइड में आपको शो हो रहा है। क्वेश्चन है, क्या अंतरजातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? पहला तर्क, हाँ ये जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। दूसरा, नहीं ये हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। हाँ तो लड़के तो खुश हो गए होंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ ये क्वेश्चन जब भी आता है, कि इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि जब आप अपने बारे में सोचोगे, कोई भी लड़का हो या लड़की, तो उसे लगेगा अच्छा, जैसे मैं हूँ, अगर मैं लड़का हो, कोई भी लड़का हो इधर, तो सोचोगे कि यार मेरी किसी अदर कास्ट में शादी हो जाए, बोले हाँ यार लव मैरिज, ठीक है यार लड़की कोई भी हो क्या करता हूँ मैं तो शादी करूंगा। अब आ जाओ पलट दो, अब बात चल रही है बहन की, कि बहन के लिए प्यार करते शादी कर दोगे? बोलना ही गोली मार दूंगा सर, गला दबा दूंगा, दफना दूंगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए आपको जो क्वेश्चन जब आता है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आप पुलिस वाले बनोगे आने वाले समय में, तो पुलिस के सामने ऐसे मुद्दे बहुत आएंगे, तो आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है। थोड़ा सा गलत निर्णय, लोगों की जान, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोगों को लटका देते हैं, लड़के लड़के को दफना देते हैं, दोनों को गोली मार देते हैं, है ना, तो ये चीज बहुत होती है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बड़ा सोच समझ के बताना है आप लोगों को, कि क्या अंतरजातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित कराया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? तो अब कुछ लोगों ने सोच लिया होगा नहीं किया जाना चाहिए, सर मैं नहीं कराऊंगा बहन की शादी किसी और, चाहे अपने कास्ट में कराऊंगा, चाहे वो उसे मारे पीटे, देखो सिंपल सी बात एक बताता हूं बेटा, मैं भी एक भाई हूं, कि मैं भी अपनी बहन की शादी सोचूंगा कि मैं किसी और से अदर कास्ट में ना कराऊं, उसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारी बहन हमारी बेटी, कोई भी लड़का हो, मैं सब लड़कों की तरफ से बोल रहा हूं, कोई भी लड़का हो वो ये नहीं चाहता कि मैं कर रहा हूं तो आप ना करें, ऐसा नहीं कि आपसे चलता है, हर लड़का ये चाहता है, वो खुद को जानता है और वो हर लड़की को जानता है, कि लड़के जो होते हैं वो कैसे होते हैं हम जानते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी बहन को कोई धोखा ना दे, कोई परेशान ना करे, कोई दर्द ना दे, कोई दुख ना दे, कोई मारे पीटे ना, उसको कोई हर्ट ना करे। हम चाहते हैं जहाँ भी हमारी बहन जाए बेटी जाए वो खुश रहे, अच्छे घर में रहे। तो अदर कास्ट का मतलब हम नहीं चाहते कि कोई लड़का जैसे कि लव मैरिज है, अब हर लड़का शादी भी नहीं करता, छोड़ देता है, बदतमीजी करता है, तो ये चीजें उसके साथ ना हो हमारी बहन के साथ। तो हम सिंपल सी बात, हम भी ना करें किसी और के साथ और कोई हमारी बहन के साथ भी ना करे, क्योंकि ऐसे बहुत लोग करते हैं, देखते हैं हमारे दोस्त ऐसा कर रहा है कि भाई उसके दो दो गर्लफ्रेंड है या लड़कियां हैं कुछ जिनके चार चार बॉयफ्रेंड है। तो ये चीज बात आजकल जमाने में नॉर्मल चल रहा है, आपको पता है 2023 चल रहा है, तो अब सभी लोग आप इतने बड़े हो, सब 18 साल के ऊपर मुझे लगता है, वो जो मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं ये बात कर सकता हूँ बिंदास होकर आपसे। तो इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं, कोई भी लड़का भी चाहता है कि हमारी बहन हमारी बेटी एक अच्छे घर में जाए, जहाँ उसे कोई मारे पीटे ना, जहाँ वो लड़का हो वो अच्छे से रखे उसे,
और शादी करे, ऐसा ना हो कि लंबे में कोई दिक्कत नहीं होगी। सब कोई आईएएस ऑफिसर है, मेरी बहन पढ़ रही है, वो लड़का पढ़ रहा है, दोनों वो लड़का आईएएस ऑफिसर। कभी सुना है कि लंबे कभी जितने भी बड़े बड़े महेंद्र सिंह धोनी हो गए, कोई एक्टर हो गया, लड़कियां एक्ट्रेस हो गई, वो सब लव मैरिज करती हैं और कोई माँ बाप नहीं रोकते, क्यों? उन्हें पता है कि बेटी सक्सेस है और लड़का भी ठीक है तो कर देते हैं, क्योंकि जब लड़की सक्सेस होती है सक्सेस लड़के से ही करते हैं। ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि लड़की बहुत ज्यादा सक्सेस हो, बहुत बिल्कुल ठेले वाले फिर साइकिल वाले फिर साइकिल चला रही है, ऐसे में शादी कर रही है तो किसी काम करें, हमेशा अपने से अच्छे से करते हैं, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। और करती भी है किसी ऐसे से तो वो लड़का अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता कि शराबी करा हुआ है, जैसे मार रहा है पीट रहा है, ऐसे से तो नहीं करेगी ना, सिंपल सी बात है। तो हम ये चाहते हैं बस कि हमारी बहन पढ़ ले लिख ले अच्छी जॉब ले ले ताकि उसको अच्छा लड़का मिले, कोई परेशान ना करे दुख ना दे, इसलिए हम मना करते हैं। हमें अपना तो पता है कि हम जिससे लव मैरिज करेंगे उसे मारेंगे पीटेंगे नहीं, उसे गाली नहीं फेंकेंगे, लेकिन हमें दूसरे लड़की का नहीं पता कि जिससे हम अपनी बहन की शादी करा रहे हैं अदर कास्ट में वो मार तो नहीं रहा, वो पीट तो नहीं रहा, इसलिए हम लोग लव मैरिज में ज्यादा विश्वास नहीं करते किसी भी फैमिली के, अपने लिए करते हैं, हमें पता नहीं मारेंगे, लेकिन दूसरे का नहीं पता ना, इसलिए हम डरते हैं कि हमारी बहन के साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, जो मुझे भाइयों की थॉट लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि गोली मार देंगे, जान से मार देंगे, बहन को डरा के रखते हैं ताकि वो इन चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि दूर रहेगी तभी वो आगे लाइफ में सक्सेस भी कर पाएगी, पढ़े लिखी भी। तो आप सभी लोग जो काफ़ी लड़कियां भी देख रही होंगी तो आपके भाई भी डोकते होंगे, तो काफ़ी लोग अपने भाइयों से खुद तो गर्लफ्रेंड बना रहे हैं हमें मना कर रहे हैं, छिड़ने लगते हैं कि मेरे भैया ऐसे हैं, पूरे बुराई करने लगते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके भलाई के लिए करते हैं ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो, आप सेफ रहो, खुश रहो और आपको कोई कमी ना हो, ऐसा मुझे लगता है। तो आते हैं क्वेश्चन में, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया, बह गया भावनाओं में, वापस आता हूँ क्योंकि आप लोग भी वहां बह जाओगे, तो ऐसा मत करना, हमें अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रख के आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा पहला वाला, हाँ इससे जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर अदर कास्ट में शादी होगी तो आपको पता है कि कास्ट का बहुत इशू है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए, जो भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अगर चार धर्म है तो चार धर्म रहें। अब हिंदुओं में भी जाति अगर बांट दिया, या मुसलमानों में जाति बांट दी कि तू घोसी है, तू सिया है, तू सुन्नी है, तुम सैनी हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम बनिए हो, तुम कुछ भी हो, ऐसे ही क्रिश्चियन में भी जाते हैं, जातियों में ना बटे, है ना। और मैं तो कह रहा हूँ आप भारतीय रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी मत करो, ये चलो धर्म है, आप अलग अलग पूजा कर रहे हैं तो कर भी लो, लेकिन एटलीस्ट जातियों में तो मत ही बटो, क्योंकि इसमें कथन में धर्म की बात नहीं चल रही, जाति की बात चल रही, हम जाति पे रहते धर्म पे नहीं जाते। कथन में बोला इससे जाति व्यवस्था समाप्त होगी, बिल्कुल ठीक है। सपोज करो मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने किसी ठाकुर से, किसी सैनी से, किसी अदर कास्ट से शादी कर ली, तो जो मेरे बच्चे होंगे वो नानी के घर जाएंगे, मतलब मम्मी के मायके जाएंगे, तो नानी के घर जाएंगे तो वो नाना जी के पैर छूएंगे, नानी जी के पैर छूएंगे, सबसे आशीर्वाद लेंगे, तो सबसे प्यार से बात करेंगे, उन्हें वहाँ प्यार मिलेगा। तो क्या वो उन पे भेदभाव करेंगे कि नहीं ये छोटी जात का मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये बड़ी जात का मैं इससे बात नहीं करूंगा, इससे बात करूंगा सिर्फ, क्या वो भेदभाव करेंगे? वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें दिखेगा कि मेरी मम्मी के जो परिवार वाले हैं वो भी मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, वो भी मुझे प्यार से रख रहे हैं, तो भेदभाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। आने वाली पीढ़ी है वो ये सीखेगी कि हमारी भारतीय जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, अपने आप जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। क्यों रहेगी जाति व्यवस्था समाप्त? क्योंकि कोई भेदभाव रहेगा ही नहीं, ये छोटी जाति ऊंची जाति, क्योंकि अब उसके लिए उधर नाना है उधर पापा है, दोनों ही प्यार कर रहे हैं, तो उसके लिए दोनों बराबर रहेंगे, छुआछूत का हिसाब ही नहीं रहेगा कि ये छोटी जात का है बड़ी जात का है, जाति व्यवस्था क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा वाला क्या था? इससे हमारी भारतीय परिवार प्रणाली नष्ट हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय परिवार प्रणाली नष्ट है। भारतीय परिवार प्रणाली का मतलब क्या है? कि हमारे देश में पापा होते हैं, चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, पुपा होते हैं, मौसी होती हैं, बुआ होती हैं, मामा होते हैं, ये जो रिलेटिव जो विदेशों में नहीं होते, विदेशों में तो बाप के साथ नहीं रहता बेटा, साल का हुआ शादी हुई बाप को अलग कर दिया, बेटा अलग रह रहा है, बाप ने दूसरी शादी कर ली, माँ ने दूसरी शादी कर ली, बेटा कुछ साल साथ रहेगा, दूसरी बीवी के फिर दूसरी शादी कर लेगा, तो वहाँ मामा चाचा ताऊ अपने बाप का कल्चर नहीं है, अपने बाप के साथ नहीं रहते, पापा उसके तीन तीन चार चार होते हैं, मम्मी ने दूसरी शादी कर ली तो पापा दूसरे बन गए, तो विदेशों का कल्चर ये है। हमारे देश का बहुत संस्कृति है, हम लोग सात जन्म की बात करते हैं, एक जन्म की छोड़ो, तो हमारे देश बहुत अच्छा है इस मामले में, अच्छे रिश्ते होते हैं। तो भारतीय परिवार प्रणाली का मतलब कि चाचा होंगे, ताऊ होंगे। देखो अदर कास्ट में शादी करने से क्या चाचा नहीं होगा, क्या मामा नहीं होगा? होगा ना। मैं अपने जाति में शादी करूं तो भी मेरी बीवी का पति भाई जो होगा, मेरी बीवी का जो भाई होगा, मेरे बच्चे का मामा ही होगा। अगर मैं किसी अदर कास्ट में शादी करूंगा तो भी मेरी बीवी का भाई मामा ही होगा। तो भारतीय परिवार प्रणाली नष्ट हुई, बोले भारतीय परिवार प्रणाली अदर कास्ट में शादी करने से नष्ट नहीं हुई, इसलिए मतलब दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल तर्क एक प्रबल है। क्लियर। अब वीडियो समाप्त करने से पहले हाथ जोड़ के आप सभी से माफी चाहूंगा, अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी मेरी बात आपको बुरी लगी हो, हर्ट किया हो, तो उसके लिए दिल से माफी चाहूंगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे एक्सप्लेन करने पड़ जाते हैं, और शायद हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी बात बोल देता हूं जो किसी को बुरी लगे, किसी की भावनाओं को कष्ट दे, तो उनसे बहुत दिल से
माफी चाहूंगा, मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने थे। क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा अपना इस तरीके से करूं कि आपको ये क्वेश्चन दिमाग में बस जाए, आप भूल ना पाओ। अगर मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर बताता रहूंगा तो आपको याद नहीं रहेंगे, आप भूल जाओगे। और ये कथन क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होते हैं कि आपको याद रखने के लिए मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, आपको ऐसी बातें बतानी पड़ती है ताकि आपके दिमाग में बस जाए और कभी क्वेश्चन जब आए तो आप गलत ना करो। तो अगर किसी को बुरी लगी हो कोई भी बात, एट टू जेड, वैसे मैंने कोशिश करी है कि मैं ऐसा कुछ कभी बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हो सकता है कि ऐसा मुझसे धोखे से निकल गया हो या मैंने बोला नहीं हो उस वे में, आप उस वे में ले लो, आपको बुरी लगे तो मैं उसके लिए पहले ही आपसे माफी मांग रहा हूँ। तो कोई भी बुरा मत मानिएगा प्लीज, और इन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे मुद्दे आपके क्वेश्चन में, पेपर्स में बहुत आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, करिएगा। आज के चैप्टर्स खत्म हो, जितने यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन थे मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं, पूरे के पूरे कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन उदाहरण, जो क्वेश्चन आए थे सारे हमारे कंप्लीट हुए हैं। अब सिर्फ एक चैप्टर बचा है आपका, डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता, जो मैं कल आपको करा दूंगा। कल अब एक दिन चलेगा या ज्यादा से ज्यादा दो दिन चलेगा, वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। यूपी पुलिस का हमारा पूरी प्रैक्टिस शीट खत्म हो जाएंगे, देन हम कुछ लोग और स्टार्ट करेंगे। आप बताइएगा क्या स्टार्ट करना है, वो हम देख लेंगे जो भी स्टार्ट करना होगा। फिलहाल आज के लिए यही रखेंगे, साथ में आपको साइन में मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब दिख रहा है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको एक एक मिनट की रील मिलती रहे। रील मिलेगी तो आप उससे एक एक मिनट में भी एक एक नंबर पक्का कर सकते हैं, क्योंकि डाइस, कैलेंडर, क्लॉक सब डालता रहता हूँ एक एक मिनट में, आपको बहुत बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें सिखाता रहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता रहता हूँ, तो आपकी हेल्प मिलेगी उन क्वेश्चन से। दूसरी चीज, अगर आप यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहां से आपको पीडीएफ्स मिलेंगी और वीडियो की लिंक्स आपको तुरंत मिल जाएंगी। अगर यूट्यूब पे आपको नहीं मिल पा रही है तो कोई भी चीज़ है तो मैं आपको टेलीग्राम पे काफ़ी सारे पीडीएफ्स इंपॉर्टेंट्स डालता रहता हूँ, नोटिफिकेशंस जो आती हैं जॉब्स की वो भी डालता रहता हूँ, तो आप अगर वो ज्वाइन करेंगे तो आपको नई नई नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, और बाकी कल रात 8 बजे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करेगा। आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।